जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल और सूजी से बहुत ही चटपटा और करारा सा नाश्ता, और बनने में बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है थोड़े से सामान में, जो कि अपने घर पे ही हमेशा अवेलेबल रहता है। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये लेंगे हम पौना कटोरी चावल, जो कि मैंने मिक्सी में थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया दरदरा सा, और ये आधे से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी सूजी है। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर चावल का आटा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने चावल को बस मिक्सी में थोड़ा सा घुमा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी और इन सबको अच्छे से मिक्स करके, अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, चावल सूजी और पानी, बस तीन ही चीज़ हैं, और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, ताकि ये सूजी अपनी अच्छे से सेट हो जाए फूल के। ये मैंने हरा धनिया, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, कुछ हरी मिर्च और एक गाजर, गाजर को मैंने पीस लिया है क्योंकि गाजर जल्दी से गलती नहीं है, तो इनको सबको बारीक बारीक काट लिया था। ये देखिए अब हमारी ये जो सूजी है वो भी सेट हो गई है पानी में फूल कर। अब हम सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर लेंगे। कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है, घर पे ही जो सामान रखा हो। अगर आपको और सब्जियाँ इसमें ऐड करनी है ऐड कर सकते हो, इसमें से जो नहीं डालनी है वो उसको हटा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। नाश्ते में खा सकते हो आप इसको, लंच में खा सकते हो आप इसको, डिनर में खा सकते हो बिना ही, बिल्कुल दो चार बूंद तेल से बनकर रेडी हो जाता है, न उसमें तेल की ज़रूरत पड़ती है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। ये डाला हमने इसमें नमक टेस्ट के अनुसार। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और ये एक चम्मच डालेंगे हम इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर की बजाय अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप इसमें नींबू का यूज कर सकते हैं। अब जब तक वो हम इसकी चटनी बनाकर रेडी करते हैं, मूंगफली के दाने थे एक कटोरी जो हमने रोस्ट करके छिलके निकाल लिए हैं, कुछ हरी मिर्ची और दो चार कली लहसुन और ये हरा धनिया। अब ये डालेंगे हम इसमें दही और ये टेस्ट के अनुसार नमक, बस। अब हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, अगर आपको डालना है तो इसमें नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा खट्टी चटनी अगर आपको चाहिए हो तो। बाकी इसमें दही तो डाली गई है। ये देखिए हमने चटनी को अच्छे से बारीक सा पीस लिया है, बढ़िया सी चटनी हमारी बन करके रेडी हो गई है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी पीस कर तैयार हो गई है। अब इसमें लगाएं थोड़ा तड़का, ये मैंने राई और लाल मिर्च से ही लगाया है, आप इसमें कड़ी पत्ता, उड़द की दाल, जो भी आपका मनपसंद हो वो डाल सकते हैं तड़का, तड़के से थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा आ जाता है। जब तक ये हमारा सारी सब्जियां और सूजी और चावल और सब अच्छे से फूल करके मिक्स हो गए हैं बढ़िया से, चलिए अब इसे बनाते हैं। हम दो बूंद तेल डाली हमने तवे पे, बस ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। अब इसको हम बैटर को जितना आप अपनी इच्छा के अनुसार मोटा छोटा बड़ा पतला जैसा भी आप बनाना चाहें उसको फैला लो अच्छे से। ये चीला हम सूजी का भी बनाते हैं तो सूजी का एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है, जब हम इसमें चावल ऐड करते हैं तो चावल के साथ ये कुरकुरापन आ जाता है इसमें। इस पर आधी चम्मच तेल ऊपर से डाल के हमने इसको ढक्कन लगा दिया दो से तीन मिनट के लिए। दो से तीन मिनट के बाद अभी नीचे से सिक गया है, पलट देंगे इसको। ये देखिए अब दूसरी तरफ से भी इसको सिकने देंगे। हमें बता रही थी चावल के साथ इसमें कुरकुरापन आ जाता है अच्छा बढ़िया सा। देखिए अब ऐसे उल्टा पलटी करके हम दोनों साइड से इसको बढ़िया सा सेक लेंगे ब्राउन होने तक। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी है। और आप देखिए इसकी आवाज़ देखिए कितनी कुरकुरी आ रही है चावल डालने से। ये ऐसे करके हम सारे बना करके रेडी कर लेंगे। फिर देखिए आपको मैं थोड़ा सा टेस्ट करवाती हूँ, खा के बताइए कैसा बना है। बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा जब भी आप बना करके खाओगे, या तो किसी मेहमान को भी खिलाओगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता। हल्का फुल्का सा है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। जब भी मन हो, भूख लगी हो तो आप तुरंत बना करके खा सकते हो, इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती। जो सामान इसमें डला है वो सब अपने घर पे ही हमेशा अवेलेबल रहता है। आप बनाइए खाइए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।